ओके सो मार्केट टाइमिंग हो गया है, 9:20 हो गया है। मार्केट का डेटा जो डैशबोर्ड दिखा रहा है लिटिल बिट थोड़ा सा बेरिश साइड पे दिखा रहा है। ओपनिंग के बाद हल्की सी सेलिंग आपको स्टॉक्स में आती हुई देखने को मिल रही है। लेट्स चेक सेल मोमेंटम पे कुछ जो स्टॉक्स जिनमें लेटेस्ट ब्लॉक बने हैं। ऑरो फार्मा के अंदर एक ब्लॉक बना है, लेटेस्ट चेक। ओके पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। ऑरो फार्मा, ये रहा ऑरो फार्मा का चार्ट। लेटेस्ट ओपन इट एंड लेटेस्ट चेक कि डेटा वाइज क्या वो पॉजिटिव है, मतलब एरो बना है कि नहीं। ओके एरो फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एक बार जैसे ही एरो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारी एंट्री ऑरो फार्मा के अंदर बन जाएगी। ऑरो फार्मा के लिए अपडेट है, हमारा पिंक एरो बन गया है ऑरो फार्मा के अंदर, तो यहाँ पर हम हमारी एंट्री बना सकते हैं ऑरो फार्मा में। 7:21 करंट प्राइस हमारा एंट्री प्राइस होगा। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा डे हाई एज ऑफ नाउ 7:29। एक बार हमारे पास थोड़ा सा स्विंग टॉप बन जाए या एक ब्लू एरो बन जाए तो हम हमारी जो एंट्री है उसको और भी ट्रिगर कर सकते हैं। ऑरो फार्मा को लेके एक अपडेट है। ऑरो फार्मा में जैसे हमने ट्रेड लिया था अब हमारे पास एक स्विंग लग चुका है। अब चाहिए तो मैं ये स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट लाकर स्विंग के लिए प्ले कर सकता हूँ। 7:21 हमारा सेलिंग प्राइस था जहाँ पे हमने सेल किया था। अब हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा 7:22 के आसपास ही आएगा, एंड उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो 1:2 का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 1:2 से ज़्यादा चल रहा है क्योंकि अब स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 1 रुपये की भी रिस्क नहीं है मेरे पूरे ट्रेड के अंदर, तो अब मैं चाहूँ तो इसको ट्रेल कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए, या पार्ट प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके बाकी 50% को मैं मेरा स्टॉप लॉस को लगा के होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि ऑरो फार्मा में एक स्विंग बन चुका है, स्टॉप लॉस मिल चुका है, एंड वो स्टॉप लॉस के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है ऑरो फार्मा के अंदर।